नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में, गौरी वर्मा आपके साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़े मंगल के अवसर पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। इस बार गर्मी की वजह से दूसरे बड़े मंगल पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ कम देखने को मिली, लेकिन भंडारे का आयोजन जगह जगह चलता रहा। वहीं हमारे सहयोगी ने अलीगंज स्थित पुराना हनुमान मंदिर में जाकर पुजारी जी से बात की। देखिए, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में भगवान बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जी हाँ, आज बड़े मंगल का महापर्व है और दूसरा बड़ा मंगल है जो कि राजधानी लखनऊ में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि आप बड़े मंगल के अवसर पर जो भी भक्त श्रद्धा से भंडारे यानी लंगर का जो आयोजन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी कोई ऐसी चीज़ें छिपी होती हैं, कोई मान्यताएँ होती हैं जो पूरी होती है। तो ऐसे लेकर के राजधानी लखनऊ में बड़े स्तर पर यहाँ पर बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस समय राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ भक्त लोग हैं, कुछ श्रद्धालु हैं जो अपनी किसी मान्यता को पूरी होते देख आज यहां पर भंडारा कर रहे हैं। मैम, आप किस जगह पे भंडारा कर रहे हैं और कैसे कौन सी ऐसी मान्यता थी जिसकी वजह से आपने इस भंडारे का आयोजन किया? ये मैं अलीगंज में हूँ, रहती हूँ, यहीं पर ही रहती हूँ। ये मेरा घर गोयल चौराहे के पास पड़ता है। मैंने माना था कि एक मेरे भाई हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था, अगर वो चल दिए, उनकी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि उनका पैर कटने वाला था, बट उनका पैर बच गया है, वो वॉकर से चल सकते हैं। दूसरी चीज़, मेरी बहन का प्लेसमेंट हो गया है तो उसकी खुशी में मैंने ये भंडारा किया है। मेरे मम्मी पापा स्वस्थ रहें, उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है। ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा हैं। चलिए, देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि जो बड़े मंगल का पर्व है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख करके भी लोगों का उत्साह जगता है कि यानी भंडारा करें। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कलयुग के देवता कहे जाने वाले हनुमान जी के ऊपर विश्वास जताते हैं और कहीं ना कहीं हनुमान जी उनके संकट को हरते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी ने संकट हरण बन के इनके घर के, इनके परिवार के संकट को हरा है, इसलिए इन्होंने अपने यहाँ पर एक आयोजन किया भंडारे का। बाबू जी, अस्वस्थ रहते थे आप और हनुमान जी की कृपा हुई, आप भंडारा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे भंडारा करा के बड़ी संतुष्टि मिल रही है। और लोगों को कुछ आप प्रेरित करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, हमारे चार में जो भी जोड़ा वो सब सही है। ठीक है, कैसा लग रहा है माताजी भंडारा? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये लखनऊ के निवासी हैं, लखनपुरी के निवासी हैं, यहाँ पर जो आस्था का एक केंद्र है कहीं ना कहीं पूरे लखनऊ में देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आज बड़े मंगल के अवसर पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और इस समय हम मौजूद हैं अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में और यहाँ पर मैं आपको ले चलूँगा सीधा, हनुमान जी के दर्शन कराऊँगा। किस तरीके से बड़े मंगल के अवसर पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर अर्जी लगाते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो ये बड़ा मंगल का ये दूसरा बड़ा मंगल है और यहाँ पर काफ़ी भक्त पहुँच रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से और आज मतगणना की वजह से काफ़ी भक्त अभी निकल नहीं पाए हैं, जो शाम तक आने की संभावना है उनकी। हम आपको लेके चलते हैं सीधे हनुमान जी के दरबार में और वहाँ पर आपको सीधे दर्शन कराएंगे और सीधी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पुराना हनुमान मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्धियाँ यहाँ की इस मंदिर की है, क्या खासियत है, कैसे लोगों की मान्यताएँ यहाँ पर पूरी होती हैं, उन मान्यताओं को लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार वो दर्शन भी करने के लिए पहुँचेंगे। हालाँकि आज मतगणना का दिन है, इस वजह से कुछ भक्तों की भीड़ यहाँ पर कम दिखाई दे रही है, लेकिन शाम के वक्त कहीं ना कहीं ये भीड़ यहाँ पर जो अभी आपको जगह खाली दिख रही है कहीं ना कहीं भरी दिखेगी। फिलहाल हम सीधे हमारे जो दर्शक हैं उनको सीधे पुराना हनुमान मंदिर जो अलीगंज में स्थित है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो हनुमान जी का चोला है, जो हनुमान जी का तस्वीर है, आप सामने तस्वीरों में देखेंगे कहीं ना कहीं जो संकट है आपको दूर होते नजर आएंगे, क्योंकि कलयुग के एक जो देवता हैं संकट मोचन हनुमान जी, वो आपके सामने साक्षात यहाँ पर हैं। जो लोग हमारे साथ विदेश से जुड़े हुए हैं वो लोग भी देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि हनुमान जी का जो मंदिर है, पुराना हनुमान मंदिर अलीगंज में स्थित है और यहाँ पर बड़ी मान्यता है। यहाँ पर पुजारी भी हैं, हम उनसे बार बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मान्यता है गुरुजी इस मंदिर की, आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, इस मंदिर के बारे में बताइए। ये पुराना अलीगंज हनुमान मंदिर है, सबसे पुराना यही है, जो कि जब हमारा आपका जन्म नहीं हुआ था आलिया बेगम, उनका शासन हुआ करता था, उनके कोई बाल गोपाल नहीं थे, तो हर जगह से उनको निराशा लगती रही, यहाँ आई साष्टांग लेट गई, प्रणाम किया प्रभु को, तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया, तो चार दिन का उनका गर्भ ठहरा। अच्छा। वो गए अपने हम आप बजरंग बली कहते हैं, वो पैगम्बर अली कहते हैं उर्दू में, गए बाबर हमारे गुरु अजुद्दीन दौला वगैरह आए, आपको इमामबाड़े में बैठाऊँगा, बहुत ऊँचे दिल्ली तक नजर आया, तो बोले नहीं मैं प्रभु के चरणों का सेवक हूँ,
तो बोले फिर बोले लक्ष्मण जी लक्ष्मण टीला निवास करते हैं, माँ जानकी जी कैसर वक्त निवास करते हैं, लेकिन मैं चरणों का सेवक हूँ, दास हूँ, मैं दूर से ही सेवा करूँगा। तो इसलिए यहीं पर इनका और सौंदर्यीकरण किया, ऊपर चांद लगा हुआ पहचान के लिए जी। ये इनकी मान्यता, यहाँ जो भी आता है भाई बंध माताएँ बहनें हमारी, सब उनकी मनोकामना पूरी होती है, कोई भी अछूता नहीं आता। बड़े मंगल का पर्व है, देखिए कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप इधर आ जाइए एक मिनट के लिए। आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में, ये पुराना हनुमान मंदिर कहलाता है, कब से आप यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, कितना वर्ष हो गया आपको? सर जिंदगी हो गई 25-30 साल 40 साल हो ही गया। क्या आस्था है, क्या विश्वास है यहाँ से? बस अब अच्छा करें ये रहता है। अच्छा बिल्कुल, तो देखिए हनुमान जी के प्रति आस्था विश्वास कोई आज बड़े मंगल के अवसर पर ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लोग श्रद्धालुओं की भीड़ लगती थी वो कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से आपकी बार वो भीड़ कम देखने को मिला। फिलहाल अगर बात की जाए तो शाम के समय यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है। क्या विशेषता है इस पुराने हनुमान मंदिर की? पुराना मन जैसा कि कहावत है, पुराना हनुमान मंदिर इसका नाम है, तो इसको चरित्रार्थ करते हुए जो कहा गया है कि यह मंदिर लगभग हजारों वर्ष पुराना है, क्योंकि 900 वर्ष तक के तो अभिलेख जो है यहाँ राजस्व विभाग में दर्ज हैं कि 900 वर्ष के रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, उसके पहले कितना पुराना है इसको कोई नहीं बता पाएगा। मान्यताएं पूरी होती हैं यहाँ पर? मान्यताएं लोगों की पूरी होती, जैसा कहावत है ऊपर चांद लगा हुआ है, तो जो नवाब की बेगम आलिया थी उन्होंने भी अपनी मन्नत मांगी थी, उनकी मन्नत पूरी हुई तो इन्होंने ऊपर चांद लगवाया और इस मंदिर का जो है पुनर्निर्माण कराया, जो अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उसको व्यवस्थित कराया, ठीक है उससे जो है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।